नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे पूछे जाएंगे जीके के 15 क्वेश्चन। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है इनमें से एक दो का आंसर आपको पता हो और हो सकता है आप इस वीडियो में दो चार क्वेश्चन के आंसर भी जान जाएं जो रिपीट होते रहे, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिगर समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की मृत्यु का कारण क्या था? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृत्यु दंड। उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था ब्रिटिशों के अधिकारियों के द्वारा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बंदर सैरी बेगाबान निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो 5 सेकंड का समय है। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बर्नेई। बर्नेई देश की राजधानी है ये, बंदर सेरी बेगाबान। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ढीवी। ढीवी मालदीव की आधिकारिक भाषा है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत और चीन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका भी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूरजमल को। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो 5 सेकंड का समय है। यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिरिब्रिज। गिरिब्रिज मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो 5 सेकंड का समय है। इसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एलेसांड्रो वोल्टा। एलेसांड्रो बोल्टा ने इसका आविष्कार किया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लंदन में। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहा बली नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास ने ये पुस्तक लिखी थी, दोहा बली। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर जानते होंगे। 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है,
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिपा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो 5 सेकंड का समय है। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है शांति पुरुष के नाम से। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में आप अपने स्कोर जरूर बता के जाएं कि आपने 15 में से कितने का सही जवाब दिया और कितने का रॉन्ग। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने की थी 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में आप जरूर बता के जाएं कि आपने 15 में से कितने का सही जवाब दिया और कितने का रॉन्ग। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार डाक व्यवस्था शुरू की थी। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाती है। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको समझाएंगे भी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक लाइक और एक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।